विवांत मनीष पांडे या श्रेयस अय्यर, आखिर किसे मिलेगा पहले वनडे में मौका। विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिल तोड़ने वाली बार के बाद हालांकि विराट कोहली की टीम एकजुट होकर वापसी करने में सफल रही और हाल में संपन्न टी डट श्रृंखला में वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराया। ब्रिटेन में हुए विश्व कप में रिकॉर्ड 5 शतक जड़ने वाले रोहित 50 ओवर के प्रारूप में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखने के इरादे से उतरेंगे। वेस्ट इंडीज के सामने रोहित के सलामी जोड़ीदार धवन को रोकने की भी कड़ी चुनौती होगी, जो विश्व कप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ने के दौरान चोटिल होने के बाद इस प्रारूप में वापसी के लिए बेताब हैं। विश्व कप के दौरान अच्छी फॉर्म में रहे कोहली वेस्ट इंडीज टीम में दिग्गज खिलाड़ियों के नहीं होने के बावजूद पूर्व खिलाड़ियों के उस समूह को जवाब देने के इरादे से उतरेंगे जिन्होंने सीमित ओवरों के प्रारूप में उनकी कप्तानी पर सवालिया उठाया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 8 अगस्त को उसी मैदान पर खेला जाना है जहां टीम इंडिया ने आखिरी टी डट इंटरनेशनल मैच और सीरीज जीती थी। इस मैच में कप्तान कोहली के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द बल्लेबाजी क्रम को लेकर होगा। विराट समेत हर क्रिकेट अब प्रेमी यही सोच रहा होगा कि मनीष पांडे या श्रेयस अय्यर में से किसे मौका दिया जाए। शिखर धवन की दोबारा और सलामी बल्लेबाज की वापसी के बाद केएल राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। छठे क्रम पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका मिलेगा तो पांचवें क्रम पर मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर के बीच रोचक मुकाबला हो सकता है। वैसे तो दोनों ही खिलाड़ी टी डट स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अय्यर को जहां एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला तो आईपीएल इतिहास के पहले भारतीय शतकधारी मनीष पांडे तीनों ही मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा होने के बावजूद कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। अय्यर ने इंडिया ए की तरफ से वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ 61 और 47 रनों की पारी खेली थी, वहीं मनीष पांडे एक मैच में सेंचुरी के बाद से लगातार फेल हुए। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर पर भरोसा जता सकता है। अय्यर भारत के लिए महज 1 वनडे और 6 टी डट इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, ऐसे में प्रयोग करते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में श्रेयस अय्यर को मौका मिलने की उम्मीद ज्यादा है।